Button है वो है देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंसेस फॉर गॉन एंड हैवली फ्रॉम वो टू वो टेल ओवर दिस सैड अकाउंट ऑफ फॉर बीमोन्ड मोन व्हिच आई न्यू बी एज इफ नॉट विद बिफोर देन देन मीन्स अब जब मैं दुखी हो गया हूँ देन कैन आई ग्रीव ग्रीव मीन्स शोक मनाना तो क्या मैं शोक मना सकता हूँ ऑफ ग्रीवेंसेस फॉर गॉन ग्रीवेंसेस फॉर गॉन मीन्स सोरोज विच हैपन इन द पास्ट ऐसे दुख जो भूतकाल में बीत चुके हैं यानी जो भूतकाल के दुख हैं तो क्या मैं उन दुखों पर वापस शोक मना सकता हूँ एंड हैवली हैवली मीन्स विद ए हैवी हर्ट और भारी मन से फ्रॉम वो टू वो फ्रॉम वन सोरो टू अनदर एक दुख से दूसरा दुख टेल ओवर मीन्स काउंट अप गिन सकता हूँ रिकाउंट कर सकता हूँ मीन्स कैन आई रिकाउंट इच सैडनेस विद ए हैवी हर्ट दिस सैड अकाउंट ऑफ फोर बीमोन्ड मोन जैसा कि हमने बताया था कि इस सोनेट के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिकल टर्म्स यूज की गई हैं या आप कह सकते हो अकाउंटिंग की बहुत सारी फिनेंशियल टर्म्स यूज़ की गई है जो दूसरा क्वाड्रेंट था जिसके अंदर यूज़ किया गया था जैसे डेटलेस यूज़ किया गया था कैंसिल्ड किया था एक्सपेंस किया था वो इस तरह के जो जो फिनेंशियल टर्म्स हैं वो यूज़ की गई थी और इस क्वाड्रेंट के अंदर जो फिनेंशियल टर्म्स यूज़ की गई हैं वो हैं जैसे टेलओवर हो गया अकाउंट हो गया पे हो गया लूजेस हो गया तो इस तरह की कुछ बहुत सारी फाइनेंशियल टर्म्स यूज़ की गई हैं तो जैसे द सैड अकाउंट जो एक दुखी खाता ऑफ फोर बीमोन्ड मोन मीन्स सोरोज सफर्ड इन द पास्ट यानी ऐसे दुख जो ऑलरेडी महसूस किए जा चुके हैं यानी ऐसे दुखों का खाता जिन दुखों को मैं भूतकाल में भुगत चुका हूँ ऑलरेडी उनका दुख महसूस कर चुका हूँ विच आई न्यू पे तो उस खाते को भी मुझे मानो दोबारा पेमेंट करना है न्यू पे मीन्स उनका दोबारा भुगतान करना है एज इफ मानो नॉट पेड बिफोर कि मानो उनका मैंने पहले भुगतान नहीं किया हो यानी जो दुख मैं भुगत चुका हूँ ऑलरेडी भूतकाल में अब उनकी याद आने के कारण दोबारा दुखी हो गया हूँ तो मानो पुराने दुखों का जो मैंने भुगतान नहीं किया था जो मुझे अब करना पड़ रहा है अब इसको ही सरल बैंकिंग लैंग्वेज में समझते हैं जैसे जब आप कोई लोन देने जाते हो कोई हाउसिंग लोन हो गया कोई पर्सनल लोन वगैरह हो गया कोई ऑटो लोन हो गया व्हीकल लोन हो गया तो जब आप लोन लेने जाते हो तो बैंक वाले एक अकाउंट खोलते हैं तो जिसमें जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो आपको पेमेंट कर दिया जाता है और आप इंस्टॉलमेंट के अंदर उसको धीरे धीरे भुगतान करते रहते हैं और लास्ट में जब पूरा प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू जब आ जाता है तो उस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है इसी तरह से एक दुखों का खाता बताया गया है कि मानो मैंने उन दुखों का भुगतान तो मैंने पहले कर दिया था वो दुख मुझे मिले और मैंने उनका दर्द महसूस किया और मैंने उन दुखों को भुगत लिया लेकिन अब उन दुखों ने मानो मुझे अब पुनः दुखित कर दिया तो मानो ऐसा लग रहा है कि मैंने उन दुखों का पहले मैंने उनको भुगता ही नहीं हो और अब सारे दुख मुझे वो भुगतने पड़ रहे हैं वापस एक बार पुनः देख लेते हैं इस क्वार्टर को देन कैन आई ग्रीव तो क्या मैं अब शोक मनाऊं ऑफ ग्रीवेंसेस फॉर गॉन उन दुखों का जो भूतकाल के हैं यानी जो मित्रों के खोने पे जो मुझे दुख हुआ था तो क्या मैं उस दुख के लिए अब पुनः शोक मनाऊं एंड हैवीली और भारी मन से फ्रॉम वो टू वो एक दुख से दूसरा दुख टेल ओवर रिकाउंट करूं यानी उनको वापस गिनूं यानी सभी दुखों को मैं वापस उनका क्या शोक मनाऊं क्या द सैड अकाउंट एक दुखी खाता ऑफ फोर बीमोन्ड मोन उन सभी दुखों का जिनका मैं पहले महसूस कर चुका हूँ जिनको मैं भुगत चुका हूँ विच आई न्यू पे तो मानो अब ऐसा लग रहा है कि मैंने मुझे उन सभी दुखों के खाते को मानो मुझे दोबारा पेमेंट करना है मानो उसको दोबारा भुगतना है एज इफ नॉट पेड बिफोर मानो मैंने उनका पहले भुगतान नहीं किया हो अब इस सोनेट का जो कपलेट है वो है बट इफ द फाइल आई थिंक ऑन द डियर फ्रेंड ऑल लूजेस आर रिस्टोर्ड एंड सोरोज एंड बट इफ द फाइल मीन्स एज सून एज आई थिंक ऑन दी आई थिंक ऑफ यू डियर फ्रेंड माई डियर फ्रेंड इट इज़ एड्रेस टू डब्ल्यू एच ऑल लूजेज आर रिस्टोर्ड मीन्स ऑल दोज वाउंड्स आर हील्ड एंड सोरोज एंड एंड माई सोरोज कम टू एन एंड बट लेकिन इफ द वाइल उस दौरान आई थिंक ऑन दी जब मैंने तुम्हें सोचा या मैंने तुम्हें याद किया डियर मित्र हे प्रिय मित्र ऑल लूजेज मेरे जितने भी सारे जो दुख थे या हानि थी आर रिस्टोर्ड मानो वो रिस्टोर मीन्स मेड अप पूर्ति हो जाना मानो कि वो पूर्ण हो गए हों यानी उनकी पूर्ति हो गई हो एंड सोरोज एंड और दुखों का मानो अंत हो गया हो यानी हे प्रिय मित्र तुम्हें याद करके मुझे बहुत आनंद हुआ और मेरे समस्त दुखों का मानो अंत हो गया हो